बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जी, आप सब एजुकेशन न्यूज़ में खुशामदीद। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक और इश्तहार ला चुका हूँ, और वो है हाइबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्रिब्यूनल पिशावर में असामिया हाली है। दोस्तों मेरी ये कोशिश है और मेरी दुआ भी है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर नौकरियाँ मिल जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गुर्बत है पाकिस्तान में खसूसन। तो दोस्तों मैं मुख्तलिफ साइट से, मुख्तलिफ पेपर से, न्यूज़पेपर से और सोशल मीडिया से इश्तहार डाउनलोड करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम मेरी हौसला अफज़ाई हो जाके और हम इससे बेहतर कोशिश करें कि इससे बेहतर वीडियो को बना सकें। तो आइए दोस्तों एडवर्टाइज़ की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्राम एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ हाइबर पख्तूनख्वा फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट एज पर प्रिस्क्राइब्ड रिक्रूटमेंट। कई किस्म के असामियाँ हाल ही हैं। नंबर एक है बेलफ BPS 4, और इसके रिक्रूटमेंट ऑब्लिक क्वालिफिकेशन एट लीस्ट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद सेकेंड डिवीजन आर इलेवेंट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम रिकग्नाइज बोर्ड। ये दो असामियाँ हैं, और एज की लिमिट 18 से 40 है। जोनल एलोकेशन मेरिट 1 और जोन 1 के लिए भी एक है। जनरेटर ऑपरेटर BPS 4, रेलिवेंट सर्टिफिकेट फ्राम रिकग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसके लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और ये भी एक है, और वो मेरिट पे हैं। 18 से 32 के लिए एज है। फोटो स्टेट ऑपरेटर BPS 4, एट लीस्ट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद सेकेंड डिवीजन आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम रिकग्नाइज बोर्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इज फोटो कापियर। ये भी एक है, 18 से 40 इसका एज है और मेरिट पे है। 4 नंबर पे है नायब कासिद BPS 3, लिटरेट 3, 18 से 40 ईयर, मेरिट 1, जोन 1 1 और जोन 3 B1 है। प्रोसेस सर्वर BPS 3, लिटरेट है 4 है ये। इसके लिए 4 सीट है, 18 से 40 ईयर, मेरिट 1, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 इसमें नहीं है। चौकीदार BPS 3, लिटरेट 18 से 40 ईयर और ये मेरिट पे हैं। टर्म एंड कंडीशन, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बी डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम HTTP KPST KPGOV PK विच विल बी अवेलेबल फ्राम 28 दिसंबर 2020। दोस्तों ये इस जो मैंने जिक्र किया इस साइट पे 28 दिसंबर 2020 से होंगे एप्लीकेशन। नंबर 2, इंटरव्यू का लेटर विल बी इशूड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली। नंबर 3, एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शुड रीच ऑफ द ऑफिस रजिस्ट्रार हाइबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्रिब्यूनल और जुडिशियल कम्प्लेक्स हाइबर पख्तूनख्वा पेशावर ऑन आर बिफोर द लास्ट डेट 15 जनवरी 2021। दोस्तों इसका आखिरी तारीख 15 जनवरी 2021 है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट्स विल नॉट बी इंटरटाइंड। नंबर 5, रिलैक्सेशन ऑफ एज इज एडमिशेबल एज पर रूल्स। नंबर 6, द कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडी शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। 7, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, नॉट योर डी विल बी एडमिसेबल फॉर टेस्ट इंटरव्यू। नंबर 9, द अंडरसाइन हैव द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर विच ईच कैटेगरी। नंबर 10, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ द राइट टू डिफर आर कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। नंबर 11, ऑल कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शैल अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। नंबर 12, अनक्लेम्ड क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। नोट इम्पॉर्टेंट,
द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट डेटेड 4/9/2018 डेली मशरक फॉर द एबोव पोस्ट शेल कैस्टेड कैंसल। दोस्तों इससे पहले भी 4/9/2018 पर उन्होंने इश्तहार किया है डेली मशरक में, तो वो कैंसल तसव्वुर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ ऑल द दोस कैंडिडेट हु डू नॉट गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन विच फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी रिजेक्टेड ओनली बट वुड बी प्रोसेस अगेंस्ट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन शेल बी टेकन अगेंस्ट देम। तो दोस्तों इसका आखिरी तारीख 15/1/2021 है। उन्होंने लिखा भी है एप्लीकेशन शुड रीच ऑन आर बिफोर 15/1/2021 टू द ऑफिस ऑफ रजिस्टर हैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्रिब्यूनल और जुडिशल कम्प्लेक्स हैबर पख्तूनख्वा खैबर रोड पेशावर। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।